पंकज त्रिपाठी सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, एक कमाल के किस्सा गो भी हैं। पुलक प्रमाण मांगते हो, मैं अयोध्या जा रहा हूँ प्रभु राम से मिलने, कौन सा प्रमाण? तो हीरोगिरी दिखाने वाले, देखो सांप जेब से निकाला, छोटा बच्चा, देखिए प्रश्न क्या था, हम लोग कहाँ चले गए, मुझे नहीं मालूम है। आज जिंदगी विद ऋचा में हम पंकज त्रिपाठी की जिंदगी से जुड़े किस्से सुनेंगे। देखा उनका टप टप दो मार दिया, वो लोग प्रभावित हुए, ये आदमी है क्या है ये चीज। उनसे भी और उनकी जिंदगी से जुड़े लोगों से भी कुछ चीज और बताना चाहूंगा पंकज जी के बारे में जो कोई नहीं जानता। तो हम लोग बकरी के बच्चा पेड़ के ऊपर से ही छोड़ दिए। तो चलिए शुरू करें किस्सों की महफिल पंकज त्रिपाठी के साथ। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी त्रिचा में, बहुत साल के इंतजार के बाद, लेकिन चलिए आज आप मिल गए। जी जी मिल गए। और आज हम पंकज जी के यहाँ घर में बैठे हुए हैं, जहाँ मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ बैठकी होती है, संगीत की महफिलें सजती हैं, थोड़ा बताइए हमको इस माहौल के बारे में। तो घरेलू टाइप का महफिल, मतलब मेरे घर में एक क्लासिकल सिंगर हैं जो सीख रहे हैं, तो वो प्लस अतुल है बलिया का लड़का, वो तबला मास्टर है, BHU में पढ़ा है, तो अतुल आ जाता है, मेरे बैचमेट हैं इश्तियाक, तो ऐसे ही एक म्यूजिक कंपोजर नीचे रहते हैं, तो 15 दिन महीना दिन में गणपति विसर्जन के रात हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं और थोड़ी गायकी बजायकी होती है, लोक संगीत भी, सूफी भी, गज़लें भी, फिल्मी गाने भी, तो हम लोग 15-20 दिन पे वो गाने बजाने का, सुर जरूरी है ना जीवन के लिए, जो सुर में नहीं है वो असुर है, जो ताल में नहीं है वो बेताल है। तो गड़बड़ी क्या, बिस्मिल्लाह खां बोलते थे कि जो सुर में नहीं है वो सुर में आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो लड़ाइयाँ झगड़े वहीं होती है जहाँ सुर का अभाव हो, सुर में आ जाए तो आदमी, तो संगीत जरूरी है जीवन के लिए। आपने कहीं संगीत की ट्रेनिंग कुछ? ना 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 ना, कुछ बस ऐसे ही शौक, ऐसे ही शौक, सुनना पसंद है, हम तानसेन हैं, हम तानसेन नहीं। अच्छा सबसे पहले तो अभी लेटेस्ट आपको बधाई, इलेक्शन कमीशन ने आपको नेशनल आइकॉन बनाया है, और मुझे पता चला है कि आप जो भी उस सब काम करेंगे वो एकदम आप उसका उसकी कोई फीस नहीं ले रहे हैं। हाँ हाँ जी, वो चुनाव आयोग, मतलब मुख्य चुनाव आयोग के साथ अभी कार्यक्रम में थे तो अचानक उन्होंने अनाउंस कर दिया। मैं पहले से था स्टेट आइकन बिहार का पिछले 4-5 सालों से, मतलब लास्ट वो SMBO अपना विधानसभा वाले चुनाव से, तो और पहले से भी हमने वो काम निःशुल्क ही होता है आमतौर पर, तो बतौर अभिनेता एक थोड़ी लगता है ना कि हमारी भी तो सामाजिक जिम्मेदारी है जी। हमारे दर्शक इसी समाज से आते हैं और बाहर के भी आते हैं, लेकिन तो अब लगता है कि कुछ तो अपनी जिम्मेदारी है, जितना संभव हो किया जाए, तो उसमें मैं हिस्सा लेते रहता हूँ, तो और रुचि भी है उन चीज़ों में जी। अच्छा तो आज आपके सामने भी और सब व्यूअर्स के सामने भी एक कन्फेशन मैं करना चाहूँगी कि मैं OTT पर बहुत कम, बहुत ही कम मुझे लगता है कोई सीरीज़ मैंने देखी होंगी, क्योंकि ज़्यादातर मैं एक मेरी समस्या है कि जहाँ गाली होती है मैं देख नहीं पाती, और फिल्में भी अगर जहाँ एक बार पता चल गया कि इसमें गाली है तो वो फिर मेरी रह जाती है, तो मैं लेकिन आज अभिनेता पंकज त्रिपाठी नहीं, आज मैं एक इंसान, एक व्यक्तित्व, शख्सियत पंकज त्रिपाठी से आज यहाँ बात करने आई हूँ मुंबई में इनके घर, तो कोशिश उनकी, उनके जीवन के दूसरे पहलुओं पर बात करने की ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको कई बार लगेगा कि मुझे शायद आपके काम के बारे में कम पता है, मुझे बस पता चला कि बहुत गालियां हैं, नहीं देख पाई तो नहीं देख पाई। अच्छा, तो ऐसे इस चक्कर में बहुत सीरीज मेरी छूट जाती है, पता चलता है कि अच्छी थी जी जी। नहीं तो मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं, ये बहुत लोगों को लगता है, मिर्जापुर में भी मेरे किरदार ने मुश्किल से 4 या 5 जगह गालियों का प्रयोग किया है, वो भी अति आवश्यक है, जहाँ पे भाव का अभाव हो जाता है वहाँ पे संप्रेषण के लिए गालियों का इस्तेमाल होता है, तो 4 या 5 जगह मिर्ज़ापुर सीरीज में मेरे किरदार ने ऐसे फाउल भाषा का इस्तेमाल किया, और उसके मीम्स इतने बन गए कि लोगों को लगता है कि नहीं मैं सिर्फ 4 जगह, लेकिन दूसरे किरदारों का कुछ, हाँ दूसरे किरदारों का तब मिर्ज़ापुर में था, मेरे किरदार का नहीं, तो मैं हमेशा बड़ा सजग रहता हूँ, और अभी तो मन ही मन तय किया है कि मैं नहीं करूंगा गालियों का प्रयोग, कोई और डिवाइस ढूंढूंगा। उसका भी इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि कई किरदार और उनकी लैंडस्केप, उनके माहौल को हम चाहते हैं कि यथार्थ रूप से दिखाएं, तो गालियां भी हमारे समाज का हिस्सा है जी। आपको कई बार बनारस में सुनेंगी तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा नहीं। तो पर यथार्थ को दिखाने के लिए कुछ रचनात्मक डिवाइस भी हो सकता है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि हमें इस्तेमाल ना करना हो, और
ये घंटी है मेरे घर में जो बजती रहेगी, बहुत पुरानी घड़ी है और ये बंद पड़ी थी कई सालों से। इसको पिछले महीने ही टाउन के एक मिस्त्री हैं क्रॉफर्ड मार्केट के पास में, वहाँ जाकर पुराने जमाने वाला फील भी दे रही है। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से आधे घंटे में बजती है, तो और थोड़ी फास्ट भी है, देखिए सब 15 मिनट पे बज रही है, उसको 2:30 पे बजना चाहिए, 2:45 पे बज रही है, तो कोई बात नहीं, ये मधुर ध्वनि है, सुर में है, ये सुर में है, ये असुर नहीं है। चलिए तो अब शुरू करते हैं आपके बिल्कुल बचपन से बात करने में। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके परिवार में बाकी सब लोग तिवारी लिखते हैं, आपके पेरेंट्स भी, आप त्रिपाठी सरनेम आपने क्यों लगाया, ये क्या इसके पीछे कोई कहानी है बस या यूं ही? कहानी है, कहानी छोटी सी है, एक कहानी, रोचक कहानी है। वो क्या होता है कि किसी को पता नहीं होता है वो किस कुल खानदान कौन से गोत्र में पैदा होगा, हम पैदा होने का निर्णय नहीं कर सकते, हम जीवन में अपना कैरियर बना सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे ये तय कर सकते हैं, लेकिन हम कहाँ आएंगे इस धरा पे वो हमारे हाथ में नहीं है। तो संयोग से मैं तिवारियों के परिवार में, बनारस तिवारी पंडित बनारस तिवारी मेरे पिताजी हैं, वहाँ पैदा हुआ, गांव में पल रहा था। 9वीं क्लास तक मेरा भी क्लासरूम में भी नाम तिवारी ही था। अच्छा। पेपर्स में मेरे मन में, मेरे गाँव में तिवारी त्रिपाठी दोनों सेम सरनेम है। अच्छा। तो मेरे चाचा थे वो त्रिपाठी लिखते थे, काशीनाथ त्रिपाठी, और एक बाबा थे वो राम नरेश त्रिपाठी लिखते थे, हिंदी के प्रोफेसर थे वो गोपेश्वर महाविद्यालय हथुआ में। तो पता नहीं 9वीं 10वीं में जब एडमिट कार्ड का फॉर्म भर रहा था तो मेरे मन में ये चल रहा होगा कि दो व्यक्ति इस गांव में त्रिपाठी लिखते हैं, एक बड़े पदाधिकारी हैं मेरे चाचा, सरकारी जॉब में थे कृषि विभाग में, और बाबा जो हैं वो प्रोफेसर बन गए। और ज़्यादातर तिवारी सरनेम लिखने वाले लोग खेती और पंडिताई की वृत्ति में थे, कर्म कांड कराते थे, तो शायद मैं बालमन में लगा होगा कि गुरु त्रिपाठी लिख दो तो कुछ कुछ हो जाएगा, बाबा और चाचा की तरह कुछ हो जाएगा। तो मैंने 10वीं में अपने आप जाके अपने एडमिट कार्ड में अपना नाम में पंकज त्रिपाठी लिख दिया, और आप आज तक पिता का सरनेम, पिता जो है का सरनेम पुत्र कैरी करता है, मैंने पिता का भी सरनेम बदल दिया। अच्छा, उनका त्रिपाठी करा दिया? मैं अपने पेपर में, सिर्फ अपने एडमिट कार्ड में। तो बट दोनों का अर्थ सेम ही है, तो मतलब घर में उस पर विरोध कुछ कब कोई किसी को विरोध नहीं हुआ, और किसी को पता भी नहीं था। बाद में देखे बोले ये मैं त्रिपाठी लिखल बा, तो बोले वो हम कर दिए थे 10th में, तो वो कहीं मंशा होगी कुछ अलग करना है, तो कि हम टोटके वोटके में विश्वास कर लेते हैं ना, आसपास लगता है कि अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, तो शायद ये कहानी होगी। तो और कोई टोटके भी किए बचपन में? टोटके तो बदमाशियां तो की है, तो एनएसडी में करते थे। एनएसडी में हमारा एक बैच दोस्त था, बैचमेट था, तो उसको ये जादू टोना पे बड़ा भरोसा था। अच्छा। तो हम लोग, मैं और एक और दोस्त मिलके उसके कमरे के बाहर कभी नींबू रख दें, उसमें एक सुई चुभो के रख दें, कभी सिंदूर और सरसों वरसों छिड़क दें, और वो जब निकले तो उसको लगे कोई कर गया है कुछ। तो उसको चिढ़ाने के लिए और उसको दुविधा में डालने के लिए, यहाँ तक कि हमने एक बार साउंड स्टूडियो था त्यागराजन सर का एनएसडी में, वहाँ से कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई, और हमें एनएसडी ने वो कैसेट प्लेयर दिए थे, टेप रिकॉर्डर, तो वो अपने कमरे को बंद करके और जो रिकॉर्ड करके लाए थे अपने कमरे में वॉल्यूम बढ़ा के सुनाते थे, उसको बाजू के कमरे में था, और वो साउंड का कयास लगा के ना बाकी स्कूल में कि इसके रूम में मैंने ऐसे ऐसे आज साउंड सुने हैं। क्या साउंड सुनते थे? तो वो ठीक नहीं है, तो उसको चिढ़ाने के लिए कुछ 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 भी, तो ऐसे शरारत तो युवा आयु में हम करते ही रहते हैं। बचपन में भी की आपने, युवावस्था में भी की, अभी तक चल रही है? हाँ, नहीं अब कम हो गया, अब नहीं, एनएसडी तक था, एनएसडी के बाद मुंबई आने के बाद अब मैं उतना शरारत नहीं करता हूँ। तो अब मैं थोड़ा बौद्धिक शरारत करता हूँ, कई बार जिसके साथ शरारत करता हूँ उसको एहसास भी नहीं होता है, आज हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। तो वैसे ही वो कहीं ना कहीं से परसाई जी को, सक्सेना जी को पढ़ रहे थे तो सटायर का असर हो गया, तो अब मेरे जो मेरी शरारतें हैं वो ज़्यादातर व्यंग्यात्मक होती हैं, और जिनको समझ आती है उनके लिए व्यंग है, जिनको नहीं समझ आती उनको कॉमेडी लगती है, तो अब वैसा होता है। चलिए तो वापस बचपन में जाते हैं कि आपको लगा कि भाई त्रिपाठी लगाने से कुछ हो जाता होगा, तो उस बाल मन को क्या लगता था कि जीवन में सफल होना या सक्सेसफुल होना या बड़ा होना क्या मायने थे आपके लिए? उस समय तो एक्टर तो नहीं सोचा होगा, नहीं, क्या बिल्कुल सोचा, नहीं सोचा था आप कोई कहीं सरकारी अधिकारी बन जाऊंगा या प्रोफेसर बन जाऊंगा, दो ही मेरे उदाहरण थे मेरे सामने, तो जीवन थोड़ा मतलब ठीक होगा।
या अधिकारी ही बन जाऊंगा। ज़्यादातर यही था कि कहीं सरकारी जॉब में, दोनों सरकारी जॉब में थे तो उस वक्त भी सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज़ होती थी गाँव के लिए, सब लोग उसी का प्रयास करते थे। तो यही रहा होगा कि मैं भी कहीं सरकारी बड़े पद पे चला जाऊंगा। मुझे याद है मेरे गांव में नाटक में लड़की बनना था तो राघव चचा डायरेक्टर थे तो उन्होंने बोला कि लड़की उस साल जो लड़की की भूमिका वाला गांव नहीं आ रहा था, कलकत्ते में नौकरी कर रहा था, छठ में उसको छुट्टी नहीं मिली होगी, तो हुआ कि नाटक नहीं होगा क्योंकि लड़की कोई बनेगा नहीं। तो मैं बोला मैं बन जाऊँगा, तो उन्होंने बोला पहले पिताजी से पूछ लो, अपने घर में पूछ लो भाई, उनको आपत्ति ना हो वरना उस दिन वो नाराज़ हो जाएंगे देख के। तो मैं पूछने गया तो पिता, पहले माँ से पूछा तो माँ ने बोला कि बन जाओ लड़की, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको मन है तो कर लो, लेकिन एक बड़े आदमी का भी उसमें रोल कर लेना। तो बड़ा आदमी मतलब बड़ा पोस्ट पद। तो मैं डायरेक्टर को यह शर्त रखा तो मैं उस नाटक में थ्रू आउट लड़की था और अंत में आई थिंक जज का एक सीन का रोल था, ऑर्डर ऑर्डर, तो जज बना था बड़े आदमी का रोल। तो माँ को खुश कर, तो माँ को बैलेंस हो गया कि अरे पहले तो लड़की रहा बाद में जज बन गया ना, हालांकि वो तो अलग किरदार थे। तो बड़ा आदमी बनना मतलब सरकारी बड़े पद पे पहुंचना, शायद यही मंशा रही होगी मेरी भी। लेकिन पढ़ाई उस हिसाब से, पढ़ाई में कैसे थे आप? हाँ, पढ़ाई में मैं बुरा तो नहीं था पर बहुत अच्छा भी नहीं था। दिमाग का इंटेलिजेंस बहुत तेज था लेकिन मेरा दिमागी फुतूर एकेडमिक्स से ज्यादा शरारतों में लगा रहता। हाँ, इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगता था। प्रश्न थे तब भी, बहुत प्रश्न थे, और चूंकि सूचनाओं का अभाव था, रेडियो नहीं, अखबार नहीं, टीवी नहीं, गांव में कुछ नहीं, तो उन सारे प्रश्नों को ढूंढने के लिए ना वो बालमन हमारा इमेजिनेशन का इस्तेमाल करता था कि सफ़ेद बादल में बरसते क्यों नहीं है, काले बादल क्यों बरसते हैं, तारों का मूवमेंट जो शुक्र या तिंडोरिया का इस समय पे यहाँ आना और इतने समय पे वहाँ जाना क्यों होता है, आम में एक साल फल लगता है दूसरे साल नहीं क्यों लगता है, तो ये सवालों का आंसर हम कल्पनाओं से ढूंढते थे। तब तो गूगल बाबा भी नहीं थे। यस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं था। तो हमारी कल्पना शक्ति बहुत, अब लगता है शायद कि बहुत बढ़ गई, वो एक सेकंड नेचर बन गया। वही कारण है कि अभिनय में मैं जब सेट पर पहुँचता हूँ तो मैं सीन को देखते हुए बोलता हूँ अरे इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो डायरेक्टर बोलता है हाँ हाँ कर सकते हैं, कि हाँ इंटरेस्टिंग हो सकता है, देखो करके एक बार देखते हैं रिहर्स करते वक्त। तो वो कहीं ना कहीं अब मैं ढूंढ रहा था, मुझसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं अभिनय को लेके, तो कैसे कर लेते हो, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे कर लेता हूँ, जेन्युइनली नहीं पता मुझे, मेरे पास कोई मेथड एक्टिंग नहीं है, कोई मेथड नहीं है, पढ़ा सबका हूँ। तो जब वो कल्पना की शक्ति है, और ये इसलिए मैं छेड़ा क्योंकि आज के बच्चों में, आज की पीढ़ी में कल्पना का अभाव होते जा रहा वाली है। थी आपको। जो प्रश्न है गूगल कर लो। वही वही, हम लोगों के समय वो सब कुछ नहीं था। तो हम इस अपनी कल्पना शक्ति को दौड़ाते थे और कई बार रियलिटी से ज्यादा, कई बार नहीं, हमेशा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चीज कल्पना है। सही बात। तो मैं, मुझे लगता है बच्चों को अब हर स्कूल कॉलेज में एक कल्पना का भी ना इमेजिनेशन सेंटर और उसका एक सेगमेंट होना चाहिए। मुझे तो लगता है याददाश्त का भी, पंकज जी याद है हम लोग बचपन में सबके सब जो भी चीजें थी, फोन नंबर भी, जब नया नया फोन आया तो सबके याद रहते थे। अब सब सेव कर लिया तो किसी का कुछ याद नहीं रहता ना, बर्थडेज याद रहते हैं, और पहले ही मुझे, मैं कई बार सोचती हूँ कि कितना कुछ याद रहता था, हर सहेली का बर्थडे कब आएगा, आज तक याद है वो। और आज के जो नए दोस्त हैं जिनका हम सेव कर लेते हैं, उनका अगर फेसबुक याद ना दिलाए तो हमें याद नहीं आएगा। तो कभी आपको लगता है पंकज जी की जब सीमित संसाधन थे या सुविधाएं कम थी, तकनीक कम थी, वो उसका एक बहुत बड़ा रोल है आज हम जो हैं, और शायद इसमें वो सीमित संसाधनों का ही बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है जब हम एनएसडी पहुंच रहे थे तो मोबाइल आया था पहली बार मेरे पास, मोबाइल वो नोकिया का सिंपल वाला, 2000 के आसपास एनएसडी में एक में आया, तो मेरा प्रेम चल रहा था तो लगा कि इसकी ज़रूरत है तो एक हैंडसेट छोटा सा ले लेना चाहिए, 3100 नंबर था उसका, तो वो खरीद लिए हम। और पता चला कि सूचना क्रांति हो रही है, इंटरनेट आ रहा है, अब टीवी आ चुका था, और टीवी काफ़ी बड़ा हो रहा है, घर घर पहुंचेगा, अब मोबाइल जेब में घूमेंगे, तब पता चला स्मार्टफोन आएगा, आप टच स्क्रीन कर पाएंगे, तो मालूम चला ये सूचना क्रांति है, इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो रहा है देश में। आगे चल के आज 2022 में जो हमारा इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन था, अब वो मिस इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है।
वही इंस्ट्रूमेंट है और स्मार्ट हो चुके हैं और इंफॉर्मेशन होते जा रहे हैं, मुझे इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन से हमें मिस इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब असूचना की क्रांति हो रही है। भ्रम सत्य को फैलने में वक्त लगता है, भ्रम को फैलने में बहुत वक्त नहीं लगता है। कहते हैं जब तक सच जूता पहन रहा होता है तब तक झूठ पूरे गांव में, तो भ्रम बहुत जल्दी फैलता है और वो सूचना क्रांति से हम मिस इन्फॉर्मेशन क्रांति की तरफ जा रहे हैं। खैर बात क्या थी मेरी, प्रॉब्लम ये है नहीं ठीक है कि कहीं से चालू करके मैं कहीं चला जाता हूँ। ये मेरी समस्या भी है, इसलिए अच्छा रहेगा, बातचीत सही चलेगी। जो अभी आपने कहा ना, मैं कई बार ये कहती हूँ कि हमारे डिवाइसेस स्मार्ट हो गए हैं लेकिन हम शायद डम्ब होते जा रहे हैं, हमें हमारी समझ कम होती जा रही है। वापस चलते हैं उस दौर में जब आप बहुत स्मार्ट थे एज बच्चा, तो शरारतें आप बहुत करते थे। कुछ चीज़ें हमें आपके गाँव से आपके बारे में पता चली, तो हमने सोचा आपको भी सुनवा देते हैं। कम्युनिकेशन का दौर इतना बढ़ गया है ना कि सेल्फ कम्युनिकेशन ख़त्म हो रहा है। ऐसे तो बहुत सारे बचपन का उनका क्रियाकलाप है, खिस्सा है, जो अभी उतना याद नहीं है, लेकिन एक घटना है। दिवाली का समय था और दिवाली में लक्ष्मी पूजा के लिए हम प्रसाद के रूप में लड्डू अक्सरहाँ चढ़ाया जाता है, बाजार से ले आके पैकेट रसोई घर में ही हम लोग के यहाँ देवता को रखा जाता है कोने में, भंडार कोने में। तो वहाँ एक कोठिला था जो जिसमें अनाज उनाज रखा जाता था, उसके ऊपर रख दिए कि कोई छूछा नहीं करेगा। शाम के समय जब पूजा का समय आया तो माँ हमारी खोजने लगी, हम कहे कि वहीं पर है देख लो, तो गई देखने तो उसमें तो लड्डू सब गायब था, एक दो लड्डू बचा हुआ था। तो कही अरे क्या हुआ ये लड्डू, लगता है कि घर में चूहा हुआ ज़्यादा बढ़ गया, कोई चूहा खा गया। तब तक ये साइड में कहीं खड़े थे तो ये सुने आवाज़, तो अपने भाभी को इशारा किए कि हाँ हाँ वो तो भोग लग गया चूहा खा गया। आपको याद है ये घटना? नहीं मुझे याद नहीं है। हाँ मुझे अब सुन के हल्का आंशिक रूप से याद आ रहा है कि हम मैं कर सकता हूँ, किया होऊंगा कि नहीं किया ही हूँ याद आ रहा है, लेकिन बिल्कुल अक्षर से याद नहीं, बहुत बचपन की बात है। मेरे ख्याल से 9-10-11 साल का रहा होऊंगा। तो जब ये सब करते थे आपकी मार पिटाई भी हुई है कभी? भैया मारते थे, भैया मारते थे। तो मैं एक इंटरेस्टिंग केस का, खेलने में देर हो जाती थी गांव में, शाम को नदी है घर के पीछे ही, तैरने लगे, चिकाठारी खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो उसमें 6:30-7 अंधेरा हो गया। सब खेल के बाद हम लोग पसीने पसीने हैं तो नदी में नहाने जाते थे कि अब यहाँ नहा के ही चलेंगे। तो देरी हो गई 7 बजे, घर पर एक स्ट्रिक्ट आदेश था भैया का कि तुम्हें सूरज ढलते घर पहुँच जाना है खेल खाल के। तो अब उसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बहाना था, मेरे गांव में एक गनू चाचा थे पोस्टमैन, तो वो चिट्ठी लाते थे जामू बाजार पोस्ट ऑफिस से, तो जितने बजे भी नहा के निकलेंगे दौड़ते हुए उनके दरवाजे पे जाएंगे, पूछेंगे हमारे घर की कोई चिट्ठी आई है, वो बोलेंगे ना नहीं खेल तेरा घर के, फिर घर आएंगे। घर आते कहाँ रहा इतना देर, हम बोले उनके दरवाजे पे बैठे थे, वो आए नहीं थे पोस्ट ऑफिस से, तो हम प्रतीक्षा कर रहे थे कहीं कोई चिट्ठी आ जाए, उन दिनों मोड ऑफ कम्युनिकेशन चिट्ठी ही थी। तो बोलते रोज तुम क्यों जाते हो पूछने, बोलते हम अपने से प्रेम करते हैं, जितने हमारे रिश्तेदार हैं उन सबसे मुझे आशा रहती है कि मौसी लिख देंगी, दीदी का आ जाएगा, उसका आ जाएगा, तो मैं सबसे कनेक्टेड रहता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ, तो मेरा मन मुझे रोक नहीं पाता है। शाम होते बोलता हूँ पोस्टमैन के दरवाजे जाओ, कुछ नहीं, जो खेलने में देरी हुई हो उसको कवरअप करने के लिए भावनात्मक तरीका, तो उसके लिए पिटाता था। मैं एक दो बार पिटाया हूँ बहुत, उस समय तो ये भी नहीं था ना, बट ठीक है अब लगता है कि नहीं वो भी पिटाइयाँ जरूरी ही थी। मतलब मन में कभी नहीं आया कि हम अपने गार्जियन पे जाके केस करें कि हमारे राइट्स हैं, राइट्स भी हैं कि ये लोग मार नहीं सकते। आजकल तो बच्चे पुलिस बुला सकते हैं अगर किसी ने। अच्छा टीचर से स्कूल में पिटाई हुई आपकी? हाँ काफ़ी पिटाई हुई है। लक्ष्मण एक मास्टर साहब थे, वो मैथ के टीचर थे, तो वो अलग किस्म का पनिशमेंट देते थे। वो थोड़े मोटे थे, उनका तूंद बड़ा था ना, तो एक छड़ी होती है ना बांस की, तो वो अपने पेट में लगाते थे और सामने बच्चे को बोलते थे आ जाए तू भी लगा दे, ये छड़ी गिरनी नहीं चाहिए, नीचे नहीं मारूंगा। ओह माय गॉड। और पुश करके ना पीछे ले जाते थे क्लासरूम के, और आखिर में आपके पीछे वॉल आ गया, अब आप रुक गए, अब कहाँ जाओगे आप। उनका उनकी मोटी थी, मतलब चर्बी और भी था, तो उनको दिक्कत नहीं होता होगा, वो दबाते थे और मार सब रह दी, अब रह दी, अब छोड़ दी, बनाइबा कि ना तू कल हो ही कि ना होमवर्क हो जा, फिर पीछे हटते थे वो छड़ी गिरती थी, तो ऐसे टाइप के। तो हाँ टीचर एक आठ टीचर हैं जो मारते थे। सुर आया
आपकी पिटाई पे इतना परफेक्ट टाइम पे उसने वो प्रमाणित किया कि बात सही है। सही है, चलिए और आपके जरा किस जैसा अब हम लोग आज तो बहुत ही ऊंचे शिखर पर पहुंच गए हैं। एक हमारे यहाँ एक लाहवा महुआ का पेड़ था जो मतलब इस पूरे क्षेत्र में भूत की वहां पर भूत रहता है इससे वो प्रसिद्ध था। लोग वहां डरते थे, दिन में भी नहीं जाया करते थे। आवासों में था भी वह भयानक स्थान, लेकिन मैं और वो वहां अपना हिम्मत साहस के साथ जाया करते थे। दो दिन चार दिन पर जरूर जाते थे और लोगों को यह बताते थे कि यहाँ कुछ नहीं है, आपके मन में है यह भूत प्रेत। ये जरूर हम लोगों ने किया कि जहां जहां पर लोग भय करते थे वहां नहीं जाते थे, वहां हम लोग जरूर जाते थे। रह गई बात बदमाशी की, तो बचपन में थोड़ा सा 10% तो सब लोग करते हैं, थोड़ा सा 10% हम लोगों ने भी किया है, अमाउंट भी बताया। एक नदी थी यहाँ, उस नदी में हम लोग नहाते थे तो घर से छुप के नहाते थे। वहाँ एक पकड़ी का पेड़ था, उस पर से छलांग लगा करके उस पानी में नहाया करते थे। और बचपन से हास्य कलाकार भी रहे, नाटक में भी हास्य का जो है वो दृश्य बहुत ज्यादा लिया करते थे, नहीं भी लिया करते थे। अगर गुंडा का भी रोल लिया है तो उसमें भी कुछ ऐसा जरूर होता था कि दर्शक जो है वो लोटपोट हो जाते थे। एक समय की बात है कि एक हमारे यहाँ यहाँ खेत है, वहाँ पर हम लोग खेत में जो है पटौनी कर रहे थे, तो कुछ चरवाहा लोग वहाँ, बकरी के चरवाहा लोग थे, तो उसमें से हम और वो पंकज जी दो जन मिल करके एक बकरी का बच्चा लेके उस पेड़ ब्रह्म जी के जो पेड़ है उसके ऊपर चढ़ गए। और वो बकरी वाला जो है वो पूरा खोज रहा है। कुछ देर के बाद में इन्हीं के अंदर यह भाव हुआ कि भाई यह बेचैन है और इसको दे देना चाहिए, तो हम लोग बकरी का बच्चा पेड़ के ऊपर से ही छोड़ दिए थे। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से उसको कुछ हुआ नहीं। ये कैसी कैसी बदमाशियां। अब तो गांव में वही था ना, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं था, सूचना की क्रांति नहीं थी, तो मनोरंजन आसपास के चीज़ों से करते थे। एक नथनी बाबा थे, राकेश हैं, ये बहुत बढ़िया गाते भी थे। भरत शर्मा व्यास एक भोजपुरी के बड़े सम्मानित और बहुत सेंसिबल गाने वाले सिंगर हैं, तो उनके ये ऑडियो कैसेट सिंदरी से लाते थे और इनके पास एक म्यूजिक प्लेयर था घर पर, टेप रिकॉर्डर, तो उसमें हम लोग भोजपुरी गाने भरत शर्मा व्यास के निर्गुण और अलग अलग गीत सुनते थे, लोकगीत। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक बात कही जो मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पर एक नदी थी, घर के 100 मीटर पीछे जो नदी थी बोल रहे हैं, है अब पानी का प्रवाह रुक गया है। मैं अब बात कर रहा हूँ जिला प्रशासन से भी, बिहार सरकार के भी एक दो लोगों से कि उसको कुछ करें, कुछ दो चार जगह इनक्रोचमेंट है नदी मेन गंडक रिवर से जहाँ आ रही थी वहाँ, तो वो नदी प्रवाहित हो जाए क्योंकि बड़ी स्मृतियाँ हैं उस नदी में। तो ये दूसरी चीज़, महुआ का पेड़ एक था वो लोग जाने में डरते थे। हमारी माँ ने एक अच्छी बढ़िया काम किया था हम लोगों के साथ कि भूत प्रेत का भय निकाल दिया था। अच्छा। तो हम बचपन में भी हमें मालूम था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, इसीलिए 10वीं के बाद जब पटना गया पढ़ने तो मैं कई बार रात को 2 बजे 2:30 बजे भी, 7 किलोमीटर दूर है स्टेशन रतनसराय, तो वहाँ एक थावे बरौनी ट्रेन आती थी 2:30 बजे 3 बजे रात में उतार दे, मैं 3 बजे पैदल गांव आता था, बीच में सुनसान रास्ते, एकदम निडर थे मतलब। हाँ, वो तो भूत का भय नहीं था। अच्छा। एक बीच में वो चौराहा पिपरा था, एक पीपल के पेड़ था, चौराहा बोलते थे कि वहाँ चोर बैठते हैं रात में, तो मैं उनसे भी नहीं डरता था क्योंकि मेरे बाबूजी का पूरे यजमानी बहुत उस इलाके में था, तो मुझे मालूम था चोर भी कोई मिल गया तो भी बता दूंगा उनका पुत्र हूँ, तो मुझसे कुछ नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है जाइए। क्योंकि एक किस्सा है, बाबूजी आ रहे थे रात को शादी करा के 2:30 बजे, तो चोर डकैत जो भी है वहाँ बैठे होंगे, रोक दिया है कि हाँ चला है ना, तो बाबूजी आवाज़ दिया, हाँ मैं तो, अरे बाबा आप, अब पता नहीं ये सुना हूँ मैं, तो बोला अभी हम लोगों का बोनी नहीं बना है, आप ही मिल गए, एक काम कीजिए 1 रुपया दे दीजिए। तो वो 1 रुपया निकाल के बोले लीजिए आप लोग, 1 रुपया दिए चले आए। तो हम भी श्योर थे कि हमारा 1-2 रुपया ही लगेगा अगर चोर और मिल भी गए तो, क्योंकि हम बाबा के बेटे हैं। तो आम का महुआ का जिक्र किए, महुआ का 3 पेड़ था मेरे खुद के घर में, गर्मियों में फूल आते हैं महुआ के, बहुत ही कमाल के, बहुत कम लोग
देखे होंगे तो, और सुबह 7 बजे रात को गिर जाते हैं, 3-4 बजे 5 बजे भोर में, 7 बजे सुबह जाके उनको उन पे चिट्ठियाँ लगे इसके पहले बीन के लाना होता है। अच्छा। और महुआ को सुखा के बचा के रखते हैं सर्दियों के लिए, सर्दियों में या कोई कोई महिला को बच्चा हुआ है तो उसके बाद महुए का लड्डू बनता है जो बड़ा हेल्दी होता है, या दूध में उबाल के खाते हैं। तो हमारे 3 पेड़ था महुआ का, अब तो नहीं रहा, गिर गया तीनों, कट गया। तो सुबह हम लोग गर्मियों में 7 बजे चले जाते थे, मैं और मेरी बहन, कोई अगर लाने वाला नहीं है तो, क्योंकि महुआ 7-8 के बाद ख़राब हो जाएगा, धूप लगेगा या धूल मिट्टी, जानवर आ जाएंगे, चींटियाँ लग जाएंगे, तो हम लोग लेके आते थे महुआ वहाँ से। तो हम जो हैं आम, महुआ, परवल, टमाटर के बीच के अभिनेता हैं, तो कई कई प्रकार का जीवन देख के आए हैं सिनेमा में। हाँ यही है। चलिए एक आपकी और बड़ी खास याद, जो ये भी आपके एक निडर होने का, नदिया का तीरे हो पार फील्ड बा, हमारे खेत हो 5 बीघा का प्लॉट बा, हम सब लड़का वॉलीबॉल फुटबॉल गेंदा कुछ खेले चाहे खेले आ खेले के अनसे नदी के तीर बैठी लो, सांप कुली चलत रहे से निकल के जंगल झाड़ी में से पोछ धह के लगे नचावे कनिक के, आ लड़का सब भागे लगे सन चिला के, जाए बाप काटली 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 का कर बगली में धो ले, सपुआ के बचवा के होते होते बच्चा बगली में धो ले, ये खेला रोज करस पलाने छवात रहे गाय के रह के, कहे जो रसरी घट गई स्कूल से अले रसरी तो घट गई आ तुम जा ते ले आए अबर वबर खोले खा के साइकिल उठौले पैसा ले ले गए ले किन के ले अले उन से लेके अल तो बबूरिया रहल रोड पर बबूर वो सामने अल तो बड़का मोट के गहूम सांप आई देखले ना दूर से जब लगे अल तब देख तारे या आई बाप तल तब सांप धोले ल साइकिल साइकिल धो ले सांप और गोड़ का कहल जब ऊपर सीट पर धो ले बाकी साइकिल चलाते रह गए साइकिल छोड़ ले ना अब वहीं तो पकड़ले रह गए सपवा अब साइकिल जो चलाते रह गए सब कचरा गए आ कचरा के वह छोड़ दिल आ छटपटा के गिर के नदिया में चल गए और बेहोश होकर नदी में चल गए अब से साइकिल लेके अल अल तो इनका से कहल तभी कहत जे आई बाप अब तो तोरा के काट दिले बा कटल तनको न रहे बाकी अब करेज के ढीट हमने के देखे लगने सन जो दोसर लड़का रहे तो साइकिल बिक के भाग आई वही एगो ये घटना और बहुत बहुत घटना कोली बचपन के बा बाकी याद अबात नहीं खे अब लड़का बड़ होल सन तो सब भुला जाए हाँ चचेरा भाई उनका रहे हमारा घर है कॉलेज कह के अल तो कहल जे भैया तनि हमारा हाथ देखो ना देखले है तो कहल जे ना ये बेकार बाबा नहीं रे में लागल बड़ा तार कोई ना है मैं ये लाइन तू छोड़ दो और टीवी के दुकान तू खोल दो वे टीवी बनाओ के सीखा मन उनको तकलीफ में हो गए बैठ गए टीवी पे आना भूल जाओ टीवी चल गए तो हमारे बड़की पतो इनको औरत कहल जे बाबू राम रे दम एम होई रुआ कर बा उहाँ का कहल पर रुआ छोड़े के नहीं खे तो काम करते करते उनकर आगा उनके तरक्की होत चलल होत चलल अभी एवे ले वही जीवा रे वे कुली करत रे अब पूरा संसार उनका के जान गई गाँव जान गई भीतरी कुटुम्बी सब है जान गई। मैं कल ही ना नहीं ते आगे बढ़ल बढ़ा अच्छा ये मैं बीच में थोड़ा थोड़ा तो समझ गई पूरा समझ नहीं आया मुझे। मैं बता मैं कल ही मिल के आया हूँ इससे और इसने बताया नहीं कि बाइट वाइट दी है। मैं कल गांव में ही थे ये पहले हमने सबको बता दिया था कि सरप्राइज तो ये लोग वो सीक्रेसी मेंटेन करके रखे हैं कि इसको नहीं बताना है। तो मैं किस्सा गो था स्टोरी टेलर था सांप मेरे साइकिल को नहीं पकड़ा था हम चला रहे थे और अचानक साइकिल चलाते हुए तब दूर इधर बाएं दाएं ज़्यादा देखते थे ना कि हमारी तो शौक था कि हैंडल छोड़ के कितना देर चलाएंगे बिना देखे चलाएंगे। हाँ पटना में एक आया था वो बोला कि हैंडल काट देगा छोड़ के चलाओगे तो उस चक्कर में हम इधर उधर कर रहे खड़ा होकर चला रहे हैं साइकिल पे हैंडल पे बैठ के चलाते थे। क्या लड़कियों पर इंप्रेशन मारने के लिए ऐसी बात नहीं वहाँ नदी किनारे अच्छा, चौर में कौन कोई नहीं है अच्छा, ईश्वर को दिखा रहे थे कि हम कितने टैलेंटेड हैं देख लो हम साइकिल एक पैर से भी चलाते हैं पीछे भी बैठ के चलाते हैं हैंडल पे भी बैठ के चलाते हैं
मैं साइकिल चलते चलते अगला टायर को पकड़ के रोकता था, पीछे से उठ जाए साइकिल, तो ये भी करामात करता था। अगले टायर को पकड़ लिया झुक के हाथ से और साइकिल पीछे से थोड़ी उठ गई और फिर एक सेकंड के लिए छूटा और वापस चलने लगी। तो ये सब मैं, एक स्लो साइकिल रेस होता था स्कूल में कि यहाँ से वहाँ 10 मीटर कितना धीमे कौन चल, मैं उसका विनर होता था। तो मैं ऐसा हैंडल घुमा के और 30-40 सेकंड एक जगह साइकिल खड़ा है, बाजू वाले गिर रहे हैं, फिर सीधा किया। तो वो टैलेंटेड टाइप के लोग थे, तो वो साइकिल क्रॉस किया था, थोड़ा दिखा उसका पूंछ चिपक गया था, वो नदी की तरफ जा रहा था। तो घर आके उस किस्सा को लंबा बना दो थोड़ा। अच्छा, तो बेचारी अभी तक उस धोखे में है। आने ये लोग याद दिलाए होंगे तो, मुझे भी याद नहीं है। हम स्टोरी टेलर थे ना, कि आप सिंपल सी कहानी है, हम देरी से पहुंचे, ट्रेन छूट गई, इसको कहने के 10 तरीके हो सकते थे कि हम प्लेटफॉर्म के स्टेशन के बाहर थे, फलाना के मिठाई की दुकान पे थे, हमको दिखा एक अच्छा बढ़िया जलेबी, हम बोले जलेबी अदा खा लें। तो वो बोला कि बाबा अभी मत रुकिए, गर्म निकल रहा है, इसमें से देते हैं। बोले तो ठीक है, वहीं दो, गर्म ही खाएंगे। फिर उसने गर्म वाला जलेबी निकाल के दिया, हमको हल्का हॉर्न टाइप का सुनाई दिया, बोला अरे ना अभी रुक, की ट्रेन नहीं खे आवत, आउटर सिग्नल पर अभी है। तो हम बोले ठीक है। फिर गर्म, कुल मायने इतना है कि हम देरी से पहुंचे, ट्रेन छूट गई। हाँ, इसको कहने के लिए हम 6 मिनट का एक रोचक कहानी बना सकते हैं। तो ये आपका रोज का, तो मेरा पहले का आदत था कि अब वो जलेबी खाते खाते मुझे लगा कि युवा दर्शक हैं, श्रोता हैं, तो उसमें हीरोइन भी ला दूंगा कि दरअसल हम जलेबी नहीं खा रहे थे। वहाँ एक लाल कपड़े में एक लड़की बैठी थी जो बेहद सुंदर थी और मुस्कुरा रही थी, और उसको भी जलेबी खाना था। तो हमने निकाला, बोला नहीं गर्म पहले इनको दे दीजिए, क्योंकि ये मेरे से पहले आई है, मैं तो बाद में खाऊंगा, इस चक्कर में ट्रेन छूट गई। ये कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये सब क्रिएट हम बचपन में किस्सा गोई वाला एलिमेंट था। अभी भी कई बार मैं कई किरदारों को ना, कई डायरेक्टर नहीं समझ पाते हैं। पिछले दिनों कोई शूट कर रहा था तो मैंने बोला यार एक नॉनसेंस की कहानी सुनाता हूँ मैं, 3-4 मिनट की। नॉनसेंस की कहानी छोटी हो ना तो नॉनसेंस लगती है, लेकिन नॉनसेंस की कहानी अगर लंबी हो ना तो ह्यूमर आता है, कॉमेडी लगता है कि यार क्या बकवास कर रहा है ये आदमी। तो उस ह्यूमर को लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं नॉनसेंस को लंबा करके सुनाता था बचपन से, उसमें मिर्च मसाले डाल के। ये जो सांप उलझ गया साइकिल में, वो, फिर आपने वो पहला सांप का कहानी था, वो पानी वाले। देखो हम बचपन में गांव में रहे, मेरी माँ ने ये नहीं बताया कि सांपों के खुद एक्सपर्ट थी वो। अच्छा। हम लालटेन में पढ़ाई कर रहे थे एक दिन रात को, लालटेन जला के, और हम फ्लेम को कम करने गए, सर्दियों की बात है, सर्दियों की रात, घर में, मेरा घर पुराना वाला वो था खपड़े का, खपड़े वाला घर, खपड़ेल, तो उसमें अंदर बहुत बांस और लकड़ियां होती हैं, उसके ऊपर पुआल घास और उसके ऊपर खपड़ा, तो वहाँ पुराने खपड़ेल के घरों में सांप बहुत होते हैं, उनमें मादबूस में चूहा चिड़िया रहेगी, उसको खाने के लिए आ जाते हैं। तो सर्दियों का दिन था और हम लोग ऐसा कंबल रजाई ओढ़ के पढ़ रहे थे, लालटेन रख के चौकी पे, और हम बुझाने के लिए कि अब पढ़ना बंद कर सोना है, गए तो वो टच उसका ये होता है ना माइनस करने के लिए, तो वहाँ टच किया तो मुझे एहसास हुआ कुछ और लालटेन की रोशनी दीपक तले अंधेरा है एकदम, थैली के नीचे आपको उतनी रोशनी नहीं होती है, तो टच किया तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये सरफेस लालटेन का नहीं था, कोई चीज़ है, मुलायम है, सांप जैसा लग गया था मुझे। मैंने तुरंत हाथ हटाया और जाके बोले माई टॉर्च ला, टॉर्च जला के देख, पेंदी में हम गए थे कम करने तो वहाँ मुझे कुछ और छुआ है हाथ में, टॉर्च जलाया गया तो एक सांप, लालटेन की थैली थोड़ी गर्म थी तो आके लपेट के और उसके नीचे बैठ गया है, उसको ठंड लग रही होगी। तो अब हम वो कौन सा, तो मेरी माँ बोली कुछ नहीं, तू हटो, डराओ मत, हटो। वो एक डंडा लाई और डंडा ला के और वो उसने ऐसा लालटेन को धीरे से पकड़ा और सपोर्ट किया और चौकी से नीचे उतारा, और तब तक सांप को समझ में आ गया और निकल के और वो चला गया। तो वो सांप को तो दरवाजा खोल के बाहर भेज देती थी घर से। तो मुझे सांपों की बचपन में, गांव में आप रहते हैं तो पहचान, अगर इच्छुक हूँ मैं था तो एक पानी वाला सांप होता है, वो काटता नहीं, उसमें जहर नहीं होता है, उसको आप पकड़ भी लोगे तो हमें मालूम था, बट ये एक्ट कोई ना करे, हाँ कि मिस इन्फॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं। तो एक आध जो नदी के वाला किया था वो मुझे पता था कि ये जहरीले नहीं है, बाकियों को नहीं मालूम था। तो हीरोगिरी दिखाने वाले, देखो सांप जेब से निकाला, छोटा बच्चा, कभी बड़े को पकड़ के दूर फेंक दिया, ये सब तो वो थी। मैं अभी भी सांप से, मेरी पत्नी, बाकी लोग, मैं नहीं डरता हूँ कोई सांप, बोले कोई पैनिक मत हो, वो चला जाएगा अपने राह से, वो जब तक तुम उस भय किसी भी जानवर का, जब तक वो हमसे नहीं डरेगा तब तक वो हमला नहीं करेगा।
तो अच्छा, वो क्या था कि टीवी की दुकान खोल लो, वो हाथ में देखे होंगे, कोई तो बताए होंगे कि तुम्हारा ये सब एक्टिंग वैक्टिंग में नहीं चलेगा, तुम एक इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ दिखा होगा कुंडली की, इसको टेक्निकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है। अच्छा। उनको क्या मालूम कि इसको OTT पे जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल वाला है। एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, मेरी बहन की शादी हो गई थी 86 में या कि 88 में, मुझे याद नहीं है साल, बड़ी बहन जो सिवान में है, सुभद्रा। तो शादी के विदा हो जाते ही अगले दिन बहन सब रोते धोते हैं, मैं भी बहुत रोया था, 10-11 साल का बालक था, मैं बहुत रोता हूँ विदाई में, मैं अपनी विदाई में भी, हाँ अपनी विदाई में भी रोया था, मैं अपनी पत्नी को ला रहा था, तो मुझे लग रहा था मेरी वजह से ये सब सीन हो रहा है, असली कल्प्रिट मैं हूँ। मैं बस गाड़ी से जाता रहूँ और हाईवे पे या सड़क किनारे किसी गांव में विदाई चलता रहे, मैं विंडो से देख के भावुक हो जाता हूँ, अभी लड़की विदा हो रही है अपने घर से। तो मैं तो विदा होने के बाद ना घर में एक थोड़ा सा बड़ा सुनापन रहता है अगले दिन, और सब लोग थोड़े अलग अलग हिस्सों में बैठे होते हैं, और 3-4 औरतें उधर, 5-6 बुजुर्ग उधर, बच्चे खेलेंगे, उस खेल में खेल तो रहे हैं लेकिन उत्साह की कमी रहेगी, या उनमें रहेगा दूर खेल रहे हैं। तो उसमें बैठे थे 5-6 बुजुर्ग, मेरे जीजा आए थे बनारस से, तो वो हस्तरेखा विशेषज्ञ, हाथ देखते हैं, तो उन्होंने हाथ देखा मेरा और देख के बोला, वहाँ 5-6 लोग थे, कि यार इसके हाथ में विदेश यात्रा है। तो सब लोग बोले विदेश यात्रा क्यों, उस जमाने में, हाँ 86-88 में। बोले एक बोला, अरे नेपाल जाई, नेपाल मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर हुआ, तो नेपाल जाई। तो बोला ना नेपाल ना, कई बार विदेश यात्रा पर, ज़्यादा विदेश यात्रा पर, नेपाल को हम लोग हस्तरेखा में बिहार के पूर्वांचल में, नेपाल विदेश नहीं होता है, विदेश रेखा में नेपाल की गिनती नहीं है, वो विदेश रेखा क्या होता है, भाई नेपाल है। तो बोले बहुत बार आवे जाए के बैकरा, तो लोग आपस में बात करने लगे कि क्यों जाएगा बाहर विदेश यात्रा करने, क्या करेगा सर, क्या करेगा। तो इस निर्णय पे आए कि हो सकता है कि एयर इंडिया के मेंटेनेंस स्टाफ में इसका नौकरी लग जाए, उसमें भी पायलट नहीं बनाए मुझे, एयर इंडिया का टेक्निकल मेंटेनेंस में इसकी नौकरी लग जाएगी और दुबई यूरोप में कहीं पोस्टिंग हो जाएगी, एयरक्राफ्ट के वायलिंग ग्रीसिंग करेगा, नट बोल्ट घुमाएगा, हमको पायलट नहीं बनाए, हमको क्रू नहीं बनाया कि सर्विस करेगा, क्योंकि ये तो हमारे पहुंच के हम तो टेक्निकल ही हो सकते हैं ना, मिस्त्री विस्त्री बन सकते हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम, मैं वो हस्तरेखा काफी विदेश यात्रा उसके सुन रहे थे? मैं सुन रहा था 12 साल का, तो मुझे इसलिए तो याद है, ये किस्सा मुझे याद है कि यार मेरे को मैकेनिकल स्टाफ बना रहे हैं, और मैं कई दिनों तक ये मान के बैठा था मेयर इंडिया के उसमें टेक्निकल में जाऊंगा और इसीलिए मेरा विदेश यात्रा उसी से होना है। तो इस कहानी को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा के एक फिल्म में डाल, मतलब एक छोटे एक दो संवाद में मैंने फिल्म में डाला है, आगे दिनों में आएगी वो फिल्म। मैं डायरेक्टर को बोला ये तो ब्रिलियंट है, डाल दो। तो एक लाइन में हमने एक समरी किया है इस इंसिडेंट को, एक फिल्म में आएगी, बहुत हिलेरियस तरीके से आएगी। वैसे आप विश्वास करते हैं सब जनपत्रियों में या हाथ देखने में, विद्याओं में? मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे कहूँ कि विश्वास नहीं करता हूँ, पता होता तो कहता कि नहीं करता हूँ, मुझे पता नहीं है। तो मैं विश्वास स्वयं अभी तक कुछ नहीं पहनता हूँ, ये पत्नी ने एक अंगूठी पहनाई है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए इस बात का प्रमाण नहीं है मेरे पास। और आपकी तो जन्मपत्री नहीं हो सकती क्योंकि आपकी तो जन्मतिथि नहीं सही से किसी को पता है। हाँ, जब वो 30 साल में मालूम चला, जब कुंडली उंडली शादी के लिए बनने लगा तो मालूम चला ये 5 सितंबर का नहीं, ये तो दूसरी तारीख का। अब सही तारीख है आपके पास? हाँ, अभी सही तारीख है, सही समय भी है। उसके हिसाब से सब सही चल रहा है लाइफ में, प्रेडिक्शंस वगैरह? नहीं, मैं मुझे एक बीच में बहुत ज्ञानी पुरुष मिले थे जो इसके जानकार हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम जन्मपत्री दो तारीख समय बताओ, मैं बोला कि नहीं, मैं आप मुझे नहीं लगता कि मैं आपके ज्ञान से प्रभावित हूँ और मुझे अच्छा लगता है, तो मैं मुझे आप मत बताइए, मत समझाइए, क्योंकि रहने दीजिए, ऐसे ही चलने दीजिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया इसका, फिर मैं बोला हाँ सही है तर्क, जिस दिन मुझे आवश्यकता होगी हम बात करेंगे। चलिए, तो आपके गांव से अभी हम पटना की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें। एक मेरा हमेशा सवाल रहता है कि जहाँ हमारी परवरिश होती है उस जगह का बहुत हिस्सा हमारे अंदर हमेशा रहता है। अगर मैं झांसी में पली बड़ी हूँ तो आज भी मेरे अंदर वो झांसी चाहे मेरी किसी हरकत में होगा, कुछ होगा, मतलब मुझे तो कभी लगता है लक्ष्मी बाई है, कुछ रहता है अंदर। आपके अंदर गोपालगंज या आपके गाँव का आज तक कौन सा हिस्सा अभी तक चल रहा है साथ आपके, जो कि मैं जानना चाह रही हूँ आपके कैरेक्टर का हिस्सा? हाँ, कई बार वो उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते,
कि जो हम पालक खाते हैं और पालक से आयरन मिलता है, वो आयरन हमारे ब्लड के किस हिस्से में और किस रूप में हमें नहीं मालूम है। जो भी मैं व्यक्ति हूँ ना, या कोई भी व्यक्ति है, उसमें उसकी परवरिश, उसकी अपब्रिंगिंग, जिस किस्म की बातें सुना है और उसके बाद चल के जिस किस्म की टीचर्स और किताबों से मिला है, उन सब का योगदान है। लेकिन उनको खोजा जाए कि भारतीय दर्शन पढ़ने का कौन सा एलिमेंट तुम्हारे भीतर है, तो मेरे लिए बताना मुश्किल है। है तो मेरे गांव का बहुत कुछ है। मुझे बार बार, हालांकि जो वो गांव की कल्पना भी अब हम जैसा बातें करते हैं वैसी नहीं है, गांव भी बहुत बदल चुका है, स्वरूप गांव का बहुत बदल चुका है। वहां पे भी सूचना सब क्रांति, सूचना का वहां ज्यादा क्रांति हो रहा है। तो पर है, आई थिंक जो मेरे अंदर एक ह्यूमैनिटी है, एक हार जाएंगे लेकिन सत्य ही बोलेंगे, इसकी कहीं ना कहीं माँ बाप से ही कान में डाला गया था कि भले ही तुम्हारा नुकसान हो जाए, झूठ मत बोलना, सत्य ही बोलना। तो मुझसे, मैं असत्य सिर्फ अपने काम में बोलता हूँ, सिनेमा में वो किरदार असत्य है, जीवन में मेरे को असत्य तब बोलूँगा जब मुझे मजा लेना हो। मुझे पता है कि इस असत्य का पर्पस सिर्फ मनोरंजन है, इससे सामने वाले का कोई हानि नहीं होगा। मैं कई बार, मुझे लगता है कि व्यक्ति मुझे ठग रहा है ना, तो मुझे पता है कि मैं ठगा रहा हूँ, मुझे लगता नहीं इसको ज़रूरत होगी, ठगा जाओ इस बार, कितना ज़्यादा नुकसान तो होगा नहीं, हाँ तो ठीक है ना, 100 रुपया मेरे पास है, 10 रुपये ठग रहा है, 90 तो बचेंगे ना, इसको ज़रूरत होगी। तो मैं जानते हुए भी ठगाता हूँ और उसका अलग आनंद है जानते हुए ठगाने का, दुख अनजाने में ना ठगाएं, जानते हुए ठगाएं तो फिर ओके, मैं अवेयर था। और ह्यूमर भी वहीं से आया, मधुसूदन बाबा थे, रघुनाथ बाबा थे, वो लोग जिस किस्म से कहानी, अब जैसे रघुनाथ बाबा एक बार का किस्सा है कि वो विदाउट टिकट में पकड़ के जेल चले गए थे, एक लाइन का किस्सा है, टिकट बिना कटाए चले गए, अयोध्या जा रहे हैं, टीटी आया, उसको जिस तरीके से वो वर्णित करते थे, आप सुनेंगे तो वो पूरा एक, मतलब 20 पन्ने का एक लॉन्ग स्टोरी है कि हम ट्रेन में जा रहे थे, बैठे थे, अयोध्या जा रहे थे, इतने में एक काला कोट वाला आया, बोला टिकट, हम बोले टिकट, वो बोला हाँ टिकट, हम बोले कौन सा टिकट, बोला इसमें यात्रा करने का प्रमाण, बोला प्रमाण मांगते हो, मैं अयोध्या जा रहा हूँ प्रभु राम से मिलने, कौन सा प्रमाण, तो उन्होंने बुलाया है, जा रहा हूँ, तो बोला नहीं तो, ओहो आप अयोध्या जा रहे हैं, हाँ तो आप, फिर तो पुलिस वाला आ गया, बोले ये क्या, बोला आपका राजकीय सम्मान होगा, अच्छा ये करेंगे, हाँ चलिए, कहाँ, इसी में होगा, नहीं बाहर चलना, बोला चलिए। तो कहानी पूरी, वहां से लेकर राजकीय अतिथि गृह तक का सम्मान बताएंगे, सब कुछ व्यवस्था मिला सम्मान पूर्वक। तो कहानी कुछ भी हो सकती है, तो उसको सुनाने के तरीके हजार होते हैं। तो ह्यूमर भी वहीं से आया, वो बाबा को चाचा को सुनते थे, घूर रात में अलाव जगती थी, अलाव पे वो जान के सुनाते थे, हो सकता है कि जैसे मेरे सांप के किस्से सत्य नहीं है, वैसे उनका भी ट्रेन का किस्सा सत्य ना हो, स्टोरी टेलिंग और वो ओरल ट्रेडिशन था, वही मनोरंजन था, टेलीविजन नहीं कुछ, बैठ के शाम को सुनाते हैं किस्सा, बारात में गए थे और वहाँ बारात में शास्त्रार्थ की परंपरा थी, बारातों में शास्त्रार्थ होता था कि ज्ञानी जन मिलेंगे और उसमें पकड़ के ले आते, भाई 2-4 ठो उसको ले जाओ जिसको ज्ञान हो, क्योंकि वो लोग ऑफर दे दिया कि शास्त्रार्थ करेंगे तब तक लड़का नहीं जाएगा मंडप में। ओ माय गॉड, तो हमारे तरफ से 4 ज्ञानी पुरुष होंगे ना कि चल यहाँ बैठिए, तो वो बजाबते एकदम खद्दड़ का, एकदम वो पोशाक ही ऐसी पहन के जाते थे कि सामने वाले को, क्योंकि चैलेंज दे देते थे कि एक बारात में लोग गए और उसने कोहड़ा को, तो किस टॉपिक पे शास्त्रार्थ, कुछ भी, किसी भी टॉपिक पे, वो जीके जीएस हो सकता है, वो वेद पुराण हो सकते हैं, वो धर्म हो सकता है, वो संस्कार पे हो सकता है, वो चतुराई पे हो सकता है, वो किसी भी सब्जेक्ट पे। कोहड़े को का बच्चा छोटा था, तो एक गांव वालों ने क्या कि उनको मालूम है कि 6 महीने बाद हमारे बच्चे की शादी होगी, तो एक बड़ा सा हांडी लाए और उसमें वो कोहड़े का को रख दिया। अब वो कोहड़ा ग्रो होते होते हांडी के शेप में आ गया, क्योंकि हांडी कोहड़ा छोटा था, डाल दिया गया था उस लत्तर को अंदर, बाकी पार्ट बाहर है, तो उसको पोषण मिल रहा है, धूप मिल रही है, वो बड़ा होते होते बड़ा हो गया, कोहड़ा फिट इन हो गया उस मटके में, उस हांडी में। अब उसको काट लिया गया, शादी में आए, अब रख दिया गया कि भाई आपकी तरफ आ रहे, बिना काटे इसको खाना है, काटना नहीं है इस कोहड़े को, और मटका फूटना नहीं चाहिए, आप बराती हैं आप लोग खा लीजिए।
अब वही समस्या कि मटका फूटना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, कैसे खाएंगे। तो एक चतुर आदमी गए थे, बोले चूल्हा जलाओ, इसमें थोड़ा पानी डालो, इस मटके को चढ़ाओ, मटका फूटेगा नहीं और 10-15 मिनट में ये सॉफ्ट होके पिघल जाएगा, फिर इसको अंदर से चम्मच कलछुल से निकाल के खा जाएंगे, कोहड़ा खा लेंगे, मटका फूटेगा नहीं। तो शास्त्रार्थ की परंपरा थी, समझिए ना, भारतीय दर्शन में एक विचारक आता था, अपनी अपने विचार पे, अपनी आइडियोलॉजी पे एक पुस्तक लिखता था, उसको काटने के लिए एक दूसरा विचारक आता था और वो उसके काट में एक दूसरी पुस्तक लिखता था कि मैं इनके विचारधारा को, मैं इनके थॉट को खारिज करता हूँ, ये रही मेरी पुस्तक, या उसका भाष्य हो सकता है, उसका टीका हो सकता है। खारिज भारतीय परंपरा में तो खारिज करना उतना नहीं करते थे, बट अपना मंतव्य रखते थे उस चीज पे। ये वेस्ट का परंपरा है कि उनको खारिज करेंगे तब दूसरे दार्शनिक आएंगे। तो कैसी परंपरा थी, कितना पढ़ने लिखने वाले थे हम लोग, सोचने वाले भी, कितना सोचने वाले, आज से नहीं, 2,000-2,500-3,000 साल पहले से। देखिए प्रश्न क्या था, हम लोग कहाँ चले गए मुझे नहीं मालूम है, आपके अंदर गांव कितना। हाँ, तो वो शास्त्रार्थ का भी, आप तो शास्त्रार्थ का, हाँ तो वो बात, उसमें भी बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है, पहुंच जाती है शास्त्रार्थ में। तो उसके लिए वो जाते थे, हम लड़कों को बोला कि वहां जा रहे हो बारात में तो थोड़ा तुम लोग तमीज से। आपने किया कभी? बहुत बारात में गया हूँ मैं। नहीं नहीं, शास्त्रार्थ नहीं, मैं नहीं, मैं हम कहाँ गया नहीं थे उस समय, मालूम है, चुप रहो बैठो। तो शास्त्रार्थ जाते थे, एक दो पहलवान भी जाते थे, हो सकता है कि बाद में पहलवानी भी आ जाए, कोई पहलवान है आप में कौन, तो हमारे यहाँ से एक पहलवान आए, थोड़ा लड़के दिखाइए, कुछ भी हो सकता है। गाँव भर की बारातों में आप? मैं बहुत बारात में गया हूँ, बहुत सारे बारातों में गया हूँ, और क्या बात है, आनंद आता था बारातों में जाना, बारात का भोजन, उसके बाद नाच होती थी, लौंडा नाच का परंपरा था, तो मेरे अंदर जो कलाकार आया है ना वहीं से, वो शादी ब्याह में लौंडा नाच को देखते थे, तो वो सुर रिदम डांस, उनके नाच के बाद एक पार्ट होता था। तो जो भिखारी ठाकुर की परंपरा के आगे के लोग हैं, जो अव्यवसायिक थे, नाच कंपनी वाले, अपनी जीविका चलाते थे अपना काम करके, शादियों में शिव भगवान का नाच था, रामचंद्र का नाच था, जनता बाजार के मिश्रा जी थे जनता बाजार के, उनका नाच कंपनी था, ये सब भी किया। हाँ, बहुत किया, नाटक तो आपने किए, लेकिन नाच बहुत देखा हूँ, खूब किया भी है, नहीं किया नहीं, सीखा हूँ, नाटक में किया है एक बार, उस लौंडा डांस को परफॉर्म, अच्छा, रविंद्र भारती जी का प्ले था उसमें किया था। आज की बातचीत में मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि पंकज त्रिपाठी जी के बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत शानदार इंटरव्यूज बहुत सारे लोग पहले कर चुके हैं, बहुत सारे मैंने देखे, और अब मुझे ये देखना पड़ रहा है कि मैं ऐसे सवाल ना पूछूं जो इनसे पूछे जा चुके हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में इतने किस्से हैं कि मुझे लगता है मेरे बाद भी अभी बहुत सारे इंटरव्यूज हो जाएंगे, किस्सों की कमी नहीं होगी, किस्से बहुत हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम अब पटना की तरफ चलेंगे, तो थोड़ा सा एक अपना गांव का कोई भोजपुरी फोक जो थोड़ा सा आपको याद हो, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब भरत जी का ही गाना था एक, कि पियर रे भई लेना हमार सरसो नियर देहिया राम। मैं थोड़ा बेसुरा हो गया हूँ क्योंकि उनको बहुत हाई स्केल पे गाते थे मैं, इसलिए आ गया। तो वो पियर रे भई लेना हमार सरसो नियर देहिया राम, जब से गवनवा के दिनवा धराइल रतिया के नींद नहीं देह पिया राइल, हाँ ये दो गाने हैं अलग अलग, कि वो शादी तय हो गया है और उस नायिका बोल रही है कि सरसों के फूल की तरह मेरा बदन पीला हो रहा है, पियर रे भई लेना हमार सरसों नियर देहिया राम, गा दीजिए। अब मुझे अब याद नहीं है, सुर का बेसुरा हो जाऊँगा तो मैं नहीं चाहता हूँ असुर कहलाऊँ, मैं ताल का पक्का हूँ, सुर का कच्चा हूँ। अच्छा, अभी बताइए फिर गाँव से पटना का सफर क्यों हुआ, मतलब क्योंकि आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कुछ तो वही पढ़ने जाना था, मतलब आपको तो सरकारी अधिकारी बनना नहीं, था। मुझे मेडिकल के लिए जाना था, मैं डॉक्टर, अच्छा, बनना था, बाबूजी की इच्छा थी कि मैं, एक बड़े भाई इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर चुके थे, मैं डॉक्टर बनूं, उसकी पढ़ाई करूं, और वो बहुत कठिनाई से जीवों का उपार्जन करते थे परिवार का, तो मेडिकल के लिए गया था मैं, मेडिसिन मतलब डॉक्टर बनने, तो उस दो बार इम्तहान भी दिया, उसका नहीं हुआ, तो मन कहीं और, मतलब उसके बाद होटल में गया, फिर किसी ने बोला कि होटल कर लो बाहर में, इंडियन कुक की बड़ी डिमांड है। चाचा मेरे, वही चाचा जिनका सरनेम देख के मैं त्रिपाठी लगाया था, तो मैं उसमें चला गया, बहुत सस्ते में 12,000 रुपये लगे थे, सरकारी संस्थान था, लेकिन उस समय इसको बहुत रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता था हमारे टाइम में कि अच्छा ये अब क्या नहीं, उस समय आते आते हाँ उस समय आते आते मैं भी रिस्पेक्ट भूल चुका था कि अब शुरुआत में आदमी यूपीएससी करना चाहता है,
एक अटेम्प्ट में समझ में आता है मेरे बस का नहीं है यूपीएससी, तो फिर आ जाता है वो यूडीसी पे, अपर डिवीजन क्लर्क, अब आजकल है या नहीं मालूम नहीं, यूडीसी में सब नहीं चला तो एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। फिर हम चपरासी का भी इंटरव्यू उसमें भी ट्राई करते हैं, तो हम भी होटल में आते आते, और नहीं तब मेरा अब उस समय से हाँ भले नहीं देखा जाता होगा पर मेरे को किसी काम करने में शर्म नहीं आता था। मैं बाज़ार पे हम लोग आलू बेचने जाते थे और घर से 40 किलो गांव में, और मैं कभी नहीं शर्माया हूँ कि वो मेरे घर के बारे में जान के, या मेरा घर ऐसा है, कल का एक किस्सा है, मैं मेरे जानने वाले एक बच्चे को प्रेम विवाह करना है और पता चला कि कल कि वो जब प्रेम विवाह कर रहा है तो उनको वो सामने वाले पार्टी को ये न लगे तो हमें ऐसा अपना घर कर लेना चाहिए, मतलब फिर प्रेम किस बात का, सामने वाले को बोल दो मैं ऐसे ही हैं हम भाई, आप प्रेम मेरे घर से, मेरे संसाधन से, मेरे कार से थोड़ी है, मुझसे है, तो उसमें क्यों। तो हम आजकल दिखावे के युग में बहुत आ गए हैं ना जी। तो मेरा तब से नहीं था कि हम सनई होता है जिससे जूट बनता है, सनई की खेती होती है, तो मेरा खेत होता था, हम लोग सनई बेचने जाते थे, आलू बेचने जाते थे बाजार में। पर जो अभी आपने कहा पिताजी बहुत सीमित उसमें घर चलाते थे, खर्चा चलाते थे, उसका एहसास उस वक्त होता था आपको कि नहीं? अब शायद मुड़कर देखते हैं तो होता होगा। अब भी नहीं होता है, अब मुझे लगता है कई बार कि मैं अपने स्ट्रगल के, अपने संघर्ष के किस्से बता रहा हूँ और भावुक नहीं हो रहा हूँ। बेस्ट टाइम था हमारा मुंबई में आके, हम पति पत्नी एक 280 स्क्वायर फीट के कमरे में रहते थे, हमें नहीं मालूम था कि बुरी स्थिति है ये, सबसे सही समय था। रोज शाम को बाइक पे बैठ के पूरा चारकोप मार्केट घूमते थे। अब समय नहीं है। अब वो बाइक आज भी है मेरे पास। अच्छा। अब मेरा ड्राइवर चलाता है, बोलते उसको बचा के सर्विसिंग करा के, उसका वो एक लाइफ स्पैन खत्म हो गया तो RTO में दोबारा रजिस्टर्ड करा रहे हैं उसको, कि उसको बचा के रखो उस बाइक को। चलिए तो पटना के आपके दिनों से कुछ यादें। पंकज भाई को नमस्कार। पंकज भाई आज आपसे इस माध्यम से भी बात होगा। पंकज जी आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, दुनिया जानती है, कहीं भी जाओ आपकी ही चर्चा है, और जो लोग आपसे मिलते हैं वो जानते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन पंकज जी आज मैं एक खुलासा करूँगा कि ये कोई नहीं जानता आज कि पंकज जी कितने अच्छे एथलीट हैं। पंकज जी से हमारी पहली मुलाकात 89-90 में हुई थी। पंकज जी इतने अच्छे एथलीट थे आप सोच नहीं सकते। पंकज जी शीर्षासन होता है ना, वो हाथ के बल पे वो दौड़ा करते थे, वो दौड़ा प्रॉपर रन करते थे, ये नहीं कि वॉक कर रहे हैं, इतने अच्छे एथलीट थे। और एक बंगाल का एक ट्रेडिशनल गेम है लाठी भांजा, पंकज जी सो क्लेवर, वो लाठी को जो स्टिक होता है अपने फिंगर्स पे नचाते थे, जादू था उनके उंगलियों पे। उसके बाद कुछ चीज़ और बताना चाहूँगा पंकज जी के बारे में जो कोई नहीं जानता। पंकज जी एक नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं, उन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट किया है शूटिंग बॉल में, वो भी 90s में, और क्योंकि उस समय जब इसका टीम बना था शूटिंग बॉल का, तो हम लोग सब नए थे, तो बेसिकली वो प्लेयर सेलेक्ट हुए थे जो वॉलीबॉल में अच्छे हैं। अच्छा, पंकज जी उस समय भी देखिए हमारा एज सेम था और हम लोग दोस्त थे, लेकिन पंकज जी उस समय भी स्पोर्ट्स और इतने सेंसिटिव बंदे थे कि लास्ट मैच में हम मणिपुर या सिक्किम से खेल रहे थे, तो हमने बहुत अच्छा फाइट दिया था, जीते जीते हार गए थे, उसमें मैं बहुत अच्छा खेला था, तो पंकज जी एज ए कलीग हो गया, एज ए फ्रेंड हो गया। पंकज जी उस समय उनका दिल देखे कितना बड़ा था, मेरे को बोला था किसलिए तू इतना अच्छा खेला, मैं तेरे को एक गिफ्ट दूंगा। उसमें पंकज जी कुछ वादा किए थे गिफ्ट देने का, उन्होंने दिया होगा, लेकिन अगर नहीं दिया तो अब देंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि कुछ अच्छा गिफ्ट मिलेगा। पंकज जी इस बात को नोट करना, लास्ट टाइम तो भानु गिफ्ट ले गया था, लेकिन इस बार हमारा पक्का है। हाँ, किसलिए है मेरा दोस्त है पटना में, ये वो मैं एथलीट था, बहुत अच्छा रनर था, स्प्रिंटर था, हाई जंप में बहुत बढ़िया था, मैं मगध विश्वविद्यालय में हाई जंप में पूरे विश्वविद्यालय में नंबर 2 रहा हूँ। और वो नियति आपके लिए कुछ कर रही होती है ना, बचपन से स्टोरी टेलिंग, किस्सा गोई, रघुनाथ बाबा, आगे चल के 10वीं आते आते खो खो में बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा दौड़ता था, तो किसी ने आके बोल दिया कि ये दौड़ते हुए बड़ा सुंदर लगता है टाइगर की तरह, एक लड़की ने बोल दिया, फिर लगा कि अब मुझे दौड़ना ही चाहिए, फिर मैं चलना छोड़ दिया, मैं घर से निकल के सिर्फ दौड़ता था, चीते की तरह दिखते हो ऐसा कुछ आपने, हाँ ऐसा बोला था कि चीते की तरह दौड़ता हूँ, मुझे लगा ओ माय गॉड अब मुझे चलना नहीं है, चलना तो ही नहीं होगी मेरे लिए, अब मैं सिर्फ दौड़ूंगा, और एक दो महीना दौड़ते रहा, वेट लॉस हो गया। तो पटना आया
तो ये बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते थे, मतलब ये किसलय, पुष्कर, आसपास के घरों में, हम गांव से आए थे, हम भोजपुरी बोलते थे, हिंदी बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी, तो पहले भोजपुरी से हिंदी में अनुवाद करते थे हम, हे पुकी जाए, नहीं हम इधर से जाएंगे, हाँ तो फिर हम इधर से ही चले जाएंगे, तो हिंदी बोलने में भी मुझे पहले भोजपुरी से अनुवाद करना पड़ता था, फिर बोलना होता था। तो मुझे लगा कि यार मेरे पास कौन सी स्किल होती है जिनको मैं बिना बोले प्रभावित कर दूं, तो था स्पोर्ट्स वाला, मैं बहुत अच्छा एक्रोबेट्स था, समरसॉल्ट सब मारता था, बहुत बढ़िया। वैसे देखते हैं ना, जो बच्चा क्रिएटिव होता है थिएटर ये वो स्पोर्ट्स में नहीं होता, मतलब ऐसा कम कॉम्बिनेशन देखेंगे दोनों में आप इतने नहीं, मैं बहुत अच्छा था, और वो कहीं ना कहीं से फिजिकल ट्रेनिंग एक्टर के लिए चाहिए, वो मेरा गेम के थ्रू हो रहा था। मैं योगा में इतना अच्छा था कि सुब्बा राव सर हमारे टीचर थे एनएसडी में, पहले दिन गया ये बेंड कर, वो मैं सर झुका दिया फ्लोर पे ऐसा करके, इम्तहान रिजल्ट आया तो मेरे नंबर कम आए, मैं पूछा सर क्यों कम आए, बोला तुम्हारा ग्रोथ कहाँ हुआ, मैं बोला ग्रोथ अब क्या गड्ढा करके जमीन में जाऊँ, मैं जमीन तक सटाना था, मैं पहले क्लास में सटा दिया, बोला उनका कहाँ तक था, उनका गर्दन यहाँ था, वो लोग टच किए तो ग्रोथ उनका हुआ। मैं बोले लो जी, जी जो पहले से परफेक्ट था नंबर उसको मिला जिसकी ग्रोथ हो। तो एनएसडी में दो बार नहीं रिजेक्ट सिलेक्ट हुआ मैं, तो मैं पूछा कि एक टीचर मिल गई, बोले क्यों मुझे नहीं ले रहे हैं आप लोग, बोले कि तुम्हें यार तुम सीखे हुए हो बहुत कुछ, तो सब लर्न करो, फैकल्टी को लगता है कि यार वो तो सीखा है उसको क्यों एक सीट बर्बाद करेगा, अच्छा एक्टर है, इतना ट्रेंड है, इतना प्रैक्टिकल अनुभव है, तो हम तो उसको खोजते हैं जिसमें सीखने की संभावना ज़्यादा हो, हम स्टूडेंट खोजते हैं, हम टीचर थोड़ी खोजेंगे। फिर तीसरी बार मैं तीसरे अटेम्प्ट में गया, मैं बिल्कुल बेवकूफ़ बन के गया था कि हर चीज़ में थोड़ा ऐसा करूँगा कि लगेगा नहीं नहीं इसको इसको सिखाने की ज़रूरत है, अभी एक्टर ठीक है लेकिन ट्रेनिंग चाहिए। तो मैं उस वर्कशॉप में ऐसा बिहेव करता था कि मैं मुझे कुछ नहीं आता टाइप, पहले अल्प ज्ञानी होता है वो ज़्यादा ज्ञानी बनने का प्रयास करता है, तो हम भी वैसे ही थे, पहले भी अल्प ज्ञानी थे, अभी भी अल्प ज्ञानी हूँ। अब वापस मैं अपनी एक एक्टिंग की वर्कशॉप करने के प्रयास में लगा हूँ अगले दो महीनों में, क्योंकि वो लर्निंग बंद हो गई है, सिर्फ छपाई चल रहा है। तो वो स्किल इन बच्चों के को प्रभावित करने के लिए कि किसलिए इन लोगों को लगे कि यार मेरे पास क्या है, ये लोग वाउ कर दे, तो लगा मेरे पास मेरा गेम है, मेरी लाठी है। तो ये लोग छत से देखते थे नीचे ग्राउंड में कि यार ये आया, मैं देखा उनका टप टप दो मार दिया, वो लोग प्रभावित हुए, ये आदमी है क्या है, ये चीज़ क्या किए, हम बोले फिर से कर देते हैं, क्या किए, गलती से नहीं किए थे। तो मैं अच्छा था स्पोर्ट्स में, समहाउ वो मेरे एक्टिंग में इस्तेमाल हुई। नहीं, बट आप मेडिकल की तैयारी करने पटना आए थे, हाँ, फिर वो नहीं हो पाया, एग्जाम में बैठे आप, बैठे, नहीं क्लियर हो पाया, दो बार में नहीं हुआ। भी, फिर आपने होटल मैनेजमेंट कोर्स, होटल मैनेजमेंट किया, उसमें जॉब की ली, जॉब किया, और ये आते के साथ ये सब करामात करता था स्पोर्ट्स वाला। इनफैक्ट एक कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे में ही मेरा एडमिशन हुआ। वो जब पहली बार घर छोड़ा पंकज जी, बहुत दुख होता था, तो बहुत दुख होता था। उस समय सलमान खान की कोई फिल्म आई थी, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम। तो मेरे लिए मेरी प्रेमिका मेरा पूरा गांव था, वो प्रेम गीत था, और वो उन दिनों काफ़ी रेडियो में दूर दूर लाउड स्पीकर में बजते थे। बागी फिल्म थी, आई थिंक बागी या कोई फिल्म थी, तो मेरे पूरे गांव से मोहब्बत था। तो बहुत हालांकि एक अंदर अंदर उत्साह था कि अब इंडिपेंडेंट होंगे, अकेले पटना में रहेंगे। माँ ने ट्रेनिंग दी थी कि दाल में हल्दी की मात्रा इतनी होती है और नमक इतना डाला जाता है, दो तीन दिन चम्मच से दिखाई थी, क्योंकि अब मुझे खुद बनाना है। बट माँ रोई होगी बहुत? नहीं, माँ नहीं रोई थी, ना बहुत स्ट्रांग महिला है, वो जल्दी रोती नहीं है। अभी इन दिनों कभी कभी घर से वापस आता हूँ बॉम्बे तो थोड़ी भावुक हो जाती है। कल नहीं हुई, कल मैं आते के साथ कल मैं उसको ऐसा सैल्यूट किया तो हाँ सी, बोले पता है क्या है, बोली हाँ फौजी लोग दरोगा लोग सिपाही लोग कर रहा, तो हम बोले हम तुम वही दरोगा हम सिपाही, तो हंसी कल नहीं, कल भावुक हुई। लेकिन जो लड़का विदाई देख के रोता है वो तो रोया होगा घर छोड़ते समय। कल मैं भी नहीं रोया, कल नहीं, मतलब जब हाँ, बार हाँ, अरे बहुत मन बहुत मिश्रित भाव था, रोना भी था सेम टाइम। वो रोना चला घर से 10 किलोमीटर तक, थोड़ा भावुक रहे। एक गांव में कहते हैं सिवान, अपने गांव का सिवान बॉर्डर, वहां तक आपको ना घर खींचता है अपनी तरफ, आपके सिवान तक। आप जैसे सिवान पार हो जाते हैं ना, तो फिर डेस्टिनेशन खींचने लगता है जहां आप जा रहे हैं, जो आपकी मंजिल है, जहां आपको जाना है। तो गांव से जब भी मुंबई आता हूं तो वो कुछ दूर तक गांव खींचता है, रोकता है। आज भी? आज भी।
और फिर होता नहीं है, यात्रा को वहाँ जाना है, यही तो जीवन है, यही तो जीवन है। तब आंखें तीन हो जाती हैं, दो आगे जिससे आप चलते हैं और एक पीछे जो सब कुछ छूटते हुए को देख रही होती है, जो आजकल रिवर गाड़ियों के पीछे एक पार्क लाइट होती है, कई बार रिवर्स लगाओ तो पीछे दिखाती है, वो इंसान में भी होती है, दिखती नहीं है, मन की आँख है, क्या यही है। तो होता है, होता है, तब भी हुआ था। पानी पी लेता हूँ थोड़ा, मैं ग्लास नहीं लाया, कोई व्यूअर देखेंगे बोलेंगे जग से ही पी रहा है, मेरा ही है। और गांव की जो परवरिश थी, कि आपने पहले कहा कि हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती जो गांव से एक बच्चा आता है, वो पटना या उसके बाद दिल्ली या उसके बाद मुंबई, वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरह कभी रहा सा नहीं? यही तो कमाल की बात है, मेरे साथ कभी नहीं रहा। मैं बड़ी से बड़ी महफिल में चला जाता था, जो स्पीक मैके का आप कल मुझे मैसेज की थी, तो नगर में आज एक आता है ना हिंदी अखबारों में, नगर में आज क्या क्या सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटी, वो पढ़ के और पता चला यहाँ बिस्मिल्लाह खां साहब आए थे, उसमें पहली बार मैं वहीं पे सुना था उनको, मगध महिला पहुँच गए, जाके देखे, और चूंकि समय से पहले पहुँच गए, जगह खाली है तो आगे पहुँच गए। फिर जब लोग आने लगे तो मेरे टाइप के कोई नहीं है वहाँ, सब ऐसे थोड़ा प्रबुद्ध लोग, शास्त्रीय संगीत में आधा वो आते हैं जिनको संगीत की समझ होती है, जो सच में संगीत के रसिया होते हैं, आधा वो आते हैं जिनको इंटेलेक्चुअल बनने की चाहत होती है। तो हम उन दोनों में से नहीं थे, ना मुझे संगीत की समझ थी, ना मुझे बुद्धिजीवी टाइप देखने की चाहत थी, तो मैं पहुंच जाता था कहीं बैठ के, फिर देखता था गर्दन यहाँ हिला रहे हैं तो मैं भी चालू कर दुआ कि लोग मुझे देखते थे कि यार कितनी कम उम्र में कितना समझ रखता है लड़का, समझ क्या रखता है, चुकुदी ब्रह्म एक्टिंग है, वो बच्चा हमेशा से एक्टर था मुझे लगे मालूम। हाँ, हो सकता है। हाँ, आज आपकी बातचीत से लगा कि एक हिस्सा गोई, और शायद वो ईश्वर बचपन से ही वो ट्रेनिंग दे रहे थे या चाहत थी। तो और थोड़े टाइम आपने ये होटल मैनेजमेंट करके शेफ का काम भी किया? हाँ, 2 साल तक किया नौकरी। तो दो साल किया। तो खाना आज तक बना लेते हैं? अच्छा, हाँ, बेसिक बना लेता हूँ। उस समय तो बहुत अच्छा था, बेकरी में 7-8 महीने था, तो मैं केक वेक का बेस वेस, पिज्ज़ा बेस, ब्रेड्स सब बनाता था। और अच्छी बात यह कि कभी आपके घर वालों ने इसे नहीं, नहीं देखा तो नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसे नहीं। क्योंकि मुझे याद है, हम लोग एक ही जमाने के हैं, मुझे याद है कि शेफ बनने को कोई बहुत इज्जत से नहीं देखते थे। हाँ, उस समय नहीं, तो हमारा मेरे ना मुझ में वो इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की जो अभी आपने पूछा ना, मैं किसी महफिल में कोई बड़ा अधिकारी है, गाँव के लोग डर जाते थे, अरे वो साहब आए हैं, साहब है, मैं अरे साहब है तो खा जाएंगे, साहब बात करना है, अपना अपना बात रखना है, हाँ सर प्रणाम, तो आप कौन? बोला मैं थोड़ा माई सेल्फ पंकज त्रिपाठी भी बोल देते थे, तो बोला एक बार याद है मुझे, एक छोटा सा केस हो गया था, तो जाना था बेल लेने, सिंपल सा केस था, कोई आपके ऊपर हो गया था? हाँ, मेरा भी नाम था उसमें। सब इंस्पेक्टर मेरे गांव से गुजर रहा था, गर्मियों की रात थी, कोई एक व्यक्ति अपना खटिया सड़क पे डाल के, सड़क के किनारे डाल के सो गए थे, वायर हो गए, खटिया हटाओ पीछे जाओ, वो यहाँ क्यों सोया है, हालांकि बोला कि इतना जगह पर मोटरसाइकिल जाए कर हुआ दिक्कत होता, बोलता भागेगा कि नहीं, अब या तो वो सड़क पे थे या कि वो तो कुछ अनबन हो गया, उसने जाके 5-6 लोगों को 160 डाल दिया। वो गांव में केस होता है ना, तो जो चौकीदार से पूछते हैं कि 6-7 नाम बता दो, तो 6 वो बता देता है, इनका नाम डालिए उनका, कई बार उसको जिससे दुश्मनी है उनका भी बता देता है, जो उस दिन गाँव में भी ना हो, पटना में हो, गोपालगंज, बोले उनका भी नाम डाल दीजिए, वो भी थे उसमें। तो चिल्ला चिल्ली हुआ, गांव के 10 लोग आ गए, भाई आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, वो जाके कर दिए। और सुनने में आया था कि वो नशे में भी थे उस समय, क्योंकि मैं तो था ही नहीं उधर। अच्छा, गांव में नहीं थे? नहीं था मैं। तो 107 आया, तो भाई बोला कि आप लोग जमानत करा लीजिए अपनी। तो अब वकील आए गांव में एक छोटे से, जो माधव मिश्रा आजकल करता हूं मैं क्रिमिनल जस्टिस में, तो ट्रेनिंग पहली बार जा रहे हैं लोग कोर्ट में जमानत लेने। बोला जज साहब नाम बोलेंगे तो हुजूर बोले के बाद? हुजूर? हम बोले नहीं, हम नहीं, हम तो यस सर बोलेंगे। बोलो कैसन फालतू लड़का बाजी, यस सर बोलेंगे बेल कैंसिल हो जाए, मतलब बेल कैंसिल हो जाएगा यस सर बोलोगे तो। बोला क्या दिक्कत है यस हुजूर क्यों बोलना, काहे यस सर जी? बोला हुजूर। तो खैर वही किस्सा था, उसमें एक व्यक्ति चल भी नहीं पाते थे, 82-84 साल के थे, बोला वो तो बिस्तर से उठ नहीं पाते, वो कहाँ आएंगे किसी पर हमला करने। तो ऐसे तो हमारे अदालतों में बहुत सारे ऐसे केस चलते हैं। अभी अब जब आप बातें बता रहे हैं ना, ये सवाल मेरे मन में नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है क्या क्रांतिकारी टाइप भी थे थोड़े आपकी, बस दुनिया बदल देंगे और बस ये कर देंगे, और ये कभी ऐसे झंडा उठाया?
हाँ थोड़े से क्रांतिकारी टाइप थे, थोड़े से लीक से वो लीक सब चले, लीक छोड़ के तीन चले, सिंह शेर सपूत, ऐसा क्या है रोहित, लीक छोड़ के तीन चले वाला ये, हाँ तो ये शायर शेर सपूत, तो ये था कि लीक छोड़ के चलेंगे हम, तभी तो बाबूजी पंडिताई वृत्ति में थे, लगा नहीं मेडिकल करूँगा फिर शेफ बनूंगा, फिर विदेश यात्रा का चक्कर आ गया, तो थोड़ा था वो प्रवृत्ति थी थोड़ी। अब इतने सबके बीच एनएसडी जाना है और एक्टर बनना है, तो अब इतना सब घूम फिर लिया आप, और एक्टिंग गांव में, देखिए गांव में स्कूल कॉलेज में हम सबने अपने अपने शहरों में सबने की होती है स्टेज पे, उसको प्रोफेशन बनाना है, ये ख्याल पहली बार कब क्यों और कैसे आया? छोटा मोटा प्रेम तो कई बार हुआ है, जब कोई प्रेमिका को भी पता नहीं है कि इनको प्रेम हुआ है। मैं कभी किसी फिल्मी पार्टी में न स्ट्रगल में गया हूँ न बाद में जाता हूँ। मेरे गांव का या मेरे परिवार का शायद पहला प्रेम विवाह था, तो अवरुद्ध हुआ, नहीं होता तब दिक्कत हो जाती, कितने प्रोग्रेसिव लोग हैं यार, एक्टिंग करूँगा जाओ, प्रेम विवाह करूँगा जाओ, तो थोड़े तो बाधाएँ होनी चाहिए ना। अपमानित मैं नहीं होता था, मुझे अपमानित करना मुश्किल है, आप मुझे जितना कुछ भी ह्यूमिलिएट कर लो कुछ कर लो, मैं अपमानित नहीं होता हूँ। आप गाली दोगे मैं गाली लूँगा ही नहीं, ये तो बुद्ध ने वाली बात, आप बेइज्जती करोगे मैं, मेरा हुआ ही नहीं, आपने कर लिया हो, मैं सामने वाला आप कुछ उकसाना चाहे ना और आप ना उकसो, मुस्कुराते रहो तो उसको ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। आषाढ़ का एक दिन पर लिखा हूँ यार, ये बड़ी सही चीज़ ला दी, पूरा रोने का जुगाड़ करवा दी है आप।